Good morning, students. Today we are going to learn about division. Are you know about division? Very good. We seen in last year division. Division का मतलब होता है डिवाइड करना, भाग देना. So हम देखते हैं, let's see concept of division. किस तरीके से division को सॉल्व करते हैं. डिवीज़न एज ए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. डिवीज़न क्या होता है, मतलब रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. कोई भी चीज़ हो, हम उसे बार बार माइनस करेंगे तो वो हमारा डिवीज़न होता है. फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं, सोहन हैज़ अ 12 कलर बलून. सो हाउ ही विल बी डिवाइडेड द बलून्स, मतलब वो किस तरीके से बलून्स को डिवाइडेड करेगा इक्वल्स पार्ट में. लेट्स सी, डिवाइडेड देम इंटू ग्रुप्स ऑफ थ्री, मतलब वो डिवाइड करेगा उसे थ्री करके ग्रुप्स में. लेट्स सी, उसके पास 12 बलून्स रहते हैं. फर्स्ट 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9. देन ही हैज़ 9 बलून. देन 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6. देन उसके पास 6 बलून बचे, उसमें से वापस उसने 3 बलून्स माइनस किए. 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. देन 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. देन ही डिवाइडेड ऑल द बलून्स इन इक्वल सब्सट्रैक्शंस. सो हमने वहाँ पर देखा अभी कि डिवीज़न एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, मतलब हम उसे माइनस करते रहेंगे तो हमारा जो इक्वल इक्वल्स ग्रुप्स में हमारा वो पार्ट डिवाइडेड हो जाएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? आप अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में देखेंगे डिवीज़न चैप्टर में, तो आपको ये एग्जांपल सॉल्व किए हुए दिखेंगे. अब देखते हैं आगे. 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4. ये हमारा डिवीज़न किस तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं वो है. सो 12, दिस इज़ अ मार्क, वो साइन ऑफ डिवाइड एंड इक्वल टू 4. It is a sign of divide, divisions. Got it everyone? Let's see terms of division. यहाँ पर हमने division form में उसे solve किया है. 3 divided by 12. So in division, table is the most important things in division. So आप लोगों को tables भी by heart करने होंगे, 2 to 10. So 3 को हम पहले count टेबल बाय हार्ट करेंगे कितने बार में आता है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. सो 3 4 जा 12, तो 4 हम कहाँ लिखेंगे क्वाड्रेंट में, माइनस 12. तो 12 माइनस 12 हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, कट रहा है. जो हमारा ऊपर का पार्ट है, द आंसर वी गेट डिवाइडिंग द नंबर्स, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट. And 12, the number to be divided, this is called as dividend. And the number that divides, this is called as divisor. And we will get an answer. The number that remains after dividing, this is called as remainder. Got it everyone? If you have any doubt, so you can come in the office and ask me. Thank you everyone. Bye.